हेलो ब्यूटीफुल पीपल, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब गाइज? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज आज आप लोगों को मैं एक परमानेंट मेथड देने वाला हूं जिससे हीटिंग और उसके बाद जो लैग है ना वो फिनिक्स ओएस पे, प्राइम ओएस पे या तो कोई भी आप थर्ड पार्टी एमुलेटर यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग वाला उस पर फिक्स हो जाएगा। तो बस आपने ना मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से फॉलो करना है। तो गाइज एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि क्या मैं वीकली या तो मंथली लाइव स्ट्रीमिंग करा करूँ आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, कि आप मुझे आंसर मतलब क्वेश्चन करें और मैं आपको आंसर दे दूं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड। तो इस तरह आप लोगों की हेल्प ही हो जाएगी और उसके बाद मेरी जो है आप लोगों के साथ थोड़ी गैदरिंग हो जाएगी। मरखोर ओएस आर्मी जो है ना हर वीकेंड या तो मंथली जो है मेरे साथ गपशप लगाया करेगी। तो इस पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइज अब चलते हैं हम अपने इस पूरे प्रोसेस की तरफ। तो गाइज ये प्रोसेस बताने का मकसद क्या है, ठीक है आप लोगों को? तो देखें बहुत सारे लोग थे जो कि मुझे कहते थे कि यार हमारी जो लैग है और उसके बाद जो हीटिंग है वो कैसे फिक्स होगी, ठीक है फिनिक्स ओएस पे। तो गाइस मेन चीज़ पहले ये है कि आपको पहले सारी चीज़ें समझनी है कि जब विंटर मतलब सर्दियां आती हैं तो तब हमारा जो सिस्टम है या तो डेस्कटॉप है, पीसी है कोई या लैपटॉप है, वो हीट नहीं करता क्योंकि सर्दी होती है और उसके प्रोसेसर जो है वो भी मतलब ठंडा ठंडा रहता है और बाकी जो उसकी पूरी चीज़ें जैसे कि रैम हो गया और उसके बाद जो हार्ड ड्राइव हो गई है वो सारी भी जो है ना कूल रहती हैं, ठंडी रहती है। तो इस वजह से हमारा जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल लैग फ्री और उसके बाद एक स्टेबल जो है ना FPS देकर वर्क कर रहा होता है। तो जब गर्मियाँ आती है ना गाइस तो ये होता है कि हमारे पास हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है टेम्परेचर इज टू मच हाई। तो उससे ये होता है कि हमारे जो प्रोसेसर है या तो हार्ड ड्राइव है या तो रैम है वो हीटिंग की वजह से हैंडल नहीं कर पाता सारे प्रोसेस को और इसके बाद वो एक टोटली शॉट डाउन की तरफ जा रहा होता है कि बस अब यहाँ पर ख़त्म, मैं और आप लोगों को पावर नहीं दे सकता इससे ज़्यादा। तो ये रीज़न होता है। तो इसको फिक्स कैसे किया जाए परमानेंट जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल 100 में से कितना देना चाहिए इसे पॉइंट, तो मैं इसे 80% या 90 के लगभग दूंगा। तो गाइस देखें सबसे पहले तो बात यह कि हमारे पास जो ड्राइव लगी हुई है ना विंडो के अंदर वो लगी होती है HDD की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें है ना हार्ड ड्राइव बॉय करनी है, ख़रीदनी है मतलब SSD की, बेशक 100 GB की हो, 20 GB की हो, 40 GB की हो, लेकिन 20 GB से ऊपर होने वाली है, और बेशक 120 GB की हो। तो मेरे पास 120 GB की सैमसंग की SSD की हार्ड ड्राइव ये लगी हुई है। तो इससे क्या मतलब के फ़र्क होता है, मतलब क्या मतलब आपके पास जो प्रोसेसिंग होती है वो तेज़ होती है? तो गाइज इस तरह है कि हमारे पास जो HDD की हार्ड ड्राइव है उसका जो पीछे प्रोसेसिंग चलती है वो बहुत स्लो होती है। जो SSD है ना ये वाली, तो ये आजकल के दौर की है, ठीक है ये आजकल के दौर की है। तो इसके बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा फास्ट ये वर्क करती है, ये गर्मियों में तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वर्क करती है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, सर्दियों में तो और ज़्यादा अच्छी देती है फिनिक्स ओएस पे या तो कोई भी मोड है आप यूज़ कर रहे हैं जो। तो गाइज अब आपको मेन बात मैं बताने वाला हूँ। मेन बात ये है कि आपके पास अब फॉर एग्जांपल आप चेंज करवाते हैं SSD अपने लैपटॉप के अंदर, PC के अंदर, तो गाइज आपने याद रखना है कि आपने विंडो भी जो है ना वो SSD में ही कर लेनी है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल 120 GB की ड्राइव है, आपने वो इंस्टॉल कर ली, फिर आपने विंडो कर ली इसके अंदर, ठीक है आपकी विंडो होगी इसके अंदर। तो अब ये होता है कि आपकी जो विंडो के अंदर पूरा प्रोसेस है ना वो भी जल्दी होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पहले 35 या तो 30 सेकंड में आपके जो विंडो है वो ऑन होती थी, वो अब आपको 10 सेकंड में या 12 सेकंड में आपके डेस्कटॉप पे ले जाएगी SSD के साथ। तो गाइज अब मेन बात इसमें ये आ जाती है कि आपने विंडो कर ली SSD में, तो फिर आपने ये करना है कि उसी विंडो की ड्राइव में से आपने 20 GB की हार्ड ड्राइव बना लेनी है अलग से, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना OS ऑपरेटिंग सिस्टम, फिनिक्स OS, प्राइम OS, रेमेक्स OS, मोड कोई भी फिनिक्स OS, मारखोर OS और जितने भी हैं वो आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास वो अच्छा फास्ट वर्क करेगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पहले विंडो HDD हार्ड ड्राइव के साथ आपके पास 40 सेकंड में या तो 1 मिनट में ऑन हो रहा था, तो अब आपके पास SSD लगवाने के बाद और विंडो SSD के अंदर करने के बाद आपके पास जो विंडो है वो 10 सेकंड या तो 15 सेकंड के अंदर डेस्कटॉप पे आपको ले जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बात थी जो SSD के रिलेटेड आपको मैंने बतानी थी। तो इतनी महंगी नहीं है, ठीक है, अगर आप 120 GB की लेते हैं तो आपको मिल जाती है 3000 रुपये की यूज़ में सैमसंग की, तो सैमसंग की ले लें, ये काफ़ी अच्छी होती है, बस इसकी हेल्थ जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए।
तो आप लैपटॉप के लिए भी लें और पीसी के लिए भी ये ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम गाइस अपने सेकंड स्टेप की तरफ। पहला तो हो गया हमारी, समझे कि ये 60% लैग हमारी फिक्स होगी किसी भी गेम की, फिनिक्स को उसके अंदर या तो विंडो के अंदर आप खेलते हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारे पास सेकंड पे कूलिंग पैड। गाइस कूलिंग पैड जो है ना, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा, कि इससे ये होता है कि हमारा जो लैपटॉप है या पीसी है, ठीक है, पीसी के लिए तो अलग से आपको पंखा लगाना पड़ेगा, ये तो लैपटॉप के लिए है, तो हमारे पास जो हीटिंग होती है ना उससे ये दूर कर देता है, आपका सिस्टम ठंडा रहेगा, ठीक है। और उससे ये होगा कि आपके पास जो लैग है और उसके बाद जो प्रोसेसर है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, रैम भी, और उसके बाद आपके लैपटॉप के अंदर जो भी सिस्टम सारे हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो कूलिंग पैड मतलब कि एक किस्म का, सर्दियों का मौसम हम गर्मियों में फिर दोबारा ले आते हैं लैपटॉप का, तो इस वजह से हमारे पास लैग जो है वो फिक्स हो जाती है। तो अब हमारी 70% जो है ना, 70-80% लैग जो है वो फिक्स हो चुकी है यहाँ पर कूलिंग पैड और SSD से, ठीक है। कूलिंग पैड आप कोई भी बॉय कर सकते हैं, बाहर से 1000 रुपये का, 1200 रुपये का मिल जाता है इंडिया में, और उसके बाद पाकिस्तान में और भी जो कंट्री है वहाँ पर भी जो है उसका रेट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप ये दराज से भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आराम सुकून से, अगर आपके शहर में नहीं है तो। तो गाइज अब आ जाता है थर्ड पे और लास्ट पे जो है ना गाइज, ये हमारे पास आ जाता है GL टूल। अब GL टूल का क्या मकसद है फिनिक्स ओएस के अंदर, पहले तो आपने ये समझना कि GL टूल हम यूज़ क्या करते हैं और ये है क्या। गाइज देखें, GL टूल ना हमारे पास ड्राइवर है, ठीक है। अब आपको पता होगा जब भी कोई न्यू मोबाइल आता है तो उसके अंदर प्रोसेसर जो सा है वो चेंज होता है, ठीक है। हेलो का जो सा ना स्नैपड्रैगन आ गया या तो कोई और एड्रेनो का लगा देते हैं, ठीक है, वो होते हैं ड्राइवर, ठीक है। तो वो GPU जो सा है ना उसका तो नाम दे दिया, बेसिकली वो होते ड्राइवर ही हैं। तो अब GL टूल के अंदर भी हमें जो है ना GPU ड्राइवर दे दिए गए फ्री के, ठीक है, बहुत सारे, मतलब कि हमारे पास कोई आ जाते हैं 10 से 15 जो है ना फ्री के GPU आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास रैम आ जाती है और CPU आ जाता है फ्री का फेक, और हमारे पास आ जाता है ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है हमारी गेम की। तो ये यूज़ करने से गाइस हमारे पास ये होता है कि उस GPU के रिलेटेड जो है ना जितना प्रोसेस होता है ना वो सारा हमारे सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया जाता है, फिर हमारे पास जो गेम की परफॉर्मेंस है वो भी वैसे ही चलती है। तो इससे ये होता है कि ग्राफिक्स भी थोड़े से डाउन होते हैं और उसके बाद जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इंक्रीज़ होती है और स्मूथनेस भी फास्ट होती है, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो रहा है टेग्रा फोर्ड शील्ड के साथ जो है ओपन GL 3.0 या 3.2 और उसके बाद माली T880 जो है ना इसके साथ मेरा 3.2 या 3.0 के साथ अच्छा रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है, GL टूल के साथ लगा के। तो GL टूल को करने के लिए आपके पास रूट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, ठीक है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये सारा प्रोसेस था जो भी आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। और भी सेटिंग होती है जो L स्पीड होगी, परफॉर्मेंस ट्विकर होगी, लेकिन अगर आपने उनके बगैर सब कुछ परफेक्टली मतलब एक स्मूथली आपने अपनी गेम जो उनसे चलानी है तो ये तीन प्रोसेस सबसे परफेक्ट हैं जो फ्री फायर के लिए और उसके बाद हमारे पास पबजी मोबाइल के लिए। तो आपने ये सारे प्रोसेस करने हैं और उसके बाद आपके पास गेम जो है ना कोई भी खेलने के काबिल हो जाएगी, विंडो के अंदर भी और उसके बाद किसी भी फिनिक्स ओएस के वर्जन के अंदर या तो थर्ड पार्टी कोई भी एमुलेटर हो जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी बातें थी जो आप लोगों को मैंने समझा दी हैं, यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो गाइज़ आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग मैं करूँ वीकली या मंथली, तो क्वेश्चन आप मतलब मुझसे करेंगे और मैं उसका आंसर दूंगा, इस तरह आपके जो मसले और माइंड जो सा ना वो ओपन हो जाएगा जो भी आपके पास इशू होंगे उसका आंसर लेने के बाद। तो अब गाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना मारखोर गेमिंग फिनिक्स ओएस को, और अगर मारखोर ओएस आर्मी है तो गाइज लाइक कर देना मेरी इस वीडियो को और उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लव यू गाइज, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।